मॉर्निंग कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फोर्थ कंपलसरी पेपर है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट आपकी सेकंड चल रही है। टॉपिक है निर्देशन परामर्श में व्यक्तिगत और समूह प्रक्रिया, जिसमें हम व्यक्तिगत परामर्श पढ़ रहे हैं। और सब टॉपिक है व्यक्तिगत परामर्श के उद्देश्य। हमने पिछले वीडियो में व्यक्तिगत परामर्श पढ़ा, व्यक्तिगत परामर्श के का अर्थ भी पढ़ा, व्यक्तिगत परामर्श की हमने व्यक्तिगत परामर्श के विशेषताएं हमने पढ़ी, व्यक्तिगत परामर्श की विशेषताएं हमने पढ़ी। आज हम व्यक्तिगत परामर्श के उद्देश्य पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत परामर्श के कौन कौन से उद्देश्य हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है और अपने जीवन में एडजस्टमेंट करते हुए उसे अपने जीवन को गति प्रदान करनी पड़ती है। तो फर्स्ट उद्देश्य व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण में व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण की संभावनाओं व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण की संभावनाओं को सही तरीके से समझने योग्य बनाना। फर्स्ट है इसमें कि व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण की संभावनाओं को सही तरीके से समझने योग्य बनाना, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श का उद्देश्य है, जिसमें परामर्श प्रार्थी को ये बताता है या ये ज्ञान देता है कि व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण में, यानी कि जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है, उस वातावरण में उसकी संभावनाओं को सही तरीके से समझने योग्य बनाना, जिस वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण को समझे और उस वातावरण को समझकर उसमें एडजस्टमेंट हो और उसका सही तरीके से उसको उस वातावरण को सही तरीके से समझने योग्य परामर्शदाता व्यक्ति को बनाता है, परामर्शदाता छात्र को बनाता है। नेक्स्ट है सेकंड है व्यवसाय संबंधी सामंजस्य की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहयोग देना या सहायता प्रदान करना। सेकंड पॉइंट है आपका कि व्यक्ति को अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने विद्यालय एवं व्यवसाय संबंधी सामंजस्य की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहयोग देना, यानी कि व्यक्तिगत परामर्श में परामर्शदाता व्यक्ति को ये परामर्श प्रदान करता है, ये राय या ये सुझाव प्रदान करता है कि व्यक्ति को अपने परिवार में, अपने समुदाय में, यानी कि व्यक्ति जिस समुदाय में रह रहा है, जिस समूह में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है और जिस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तथा जिस व्यवसाय संबंधी, यानी कि जिस व्यवसाय को कर रहा है, चाहे वो व्यवसाय किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसमें समायोजन करना साथ ही व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना, यानी परामर्शदाता व्यक्ति को अपने परिवार में, अपने समुदाय में और विद्यालय में तथा जिस व्यवसाय को वो कर रहा है उस व्यवसाय संबंधित व्यवसाय में समायोजन करने के लिए, साथ में ही व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सुझाव प्रदान करता है, उसको सहायता प्रदान करता है, उसको सहयोग प्रदान करता है। कौन? परामर्शदाता। नेक्स्ट है थर्ड है
जीवन में व्यक्ति के जीवन में समायोजन व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित करने व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित करने की क्षमता व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित करने की क्षमता विकसित करना व्यक्ति के जीवन में समायोजन व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित करने की क्षमता विकसित करना व्यक्ति के जीवन में थर्ड पॉइंट है व्यक्ति के जीवन में समायोजन स्थापित करने की क्षमता विकसित करना यानी कि एक परामर्शदाता के द्वारा परामर्श प्रार्थी कोई भी व्यक्ति हो सकता है परामर्श प्रार्थी के जीवन में समायोजन स्थापित करने यानी कि वो जिस परिवार में रह रहा है जिस समुदाय में रह रहा है जिस वातावरण में वो रह रहा है और जिस वातावरण में रहने के बाद उस वातावरण में समायोजन करना और समायोजन करने की क्षमता का उसमें विकास करना यानी कि वो जिस भी वातावरण में रह रहा है परिवार के जिस भी सदस्यों के बीच में रह रहा है जिन किसी सदस्यों के बीच में रह रहा है तो उन परिवार के सदस्यों में उन समुदाय में या उस व्यवसाय संबंधित व्यवसाय में अपने जीवन को यानी कि व्यक्ति के अपने जीवन में समायोजन स्थापित करने की क्षमता का विकास परामर्शदाता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा देना व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा देने हेतु व्यक्ति को अपने जीवन को सही दिशा देने हेतु क्षमता एवं अभियोग्यता को विकसित करने में सहयोग देना क्षमता एवं अभियोगिता को समझने में सहयोग देना। फोर्थ पॉइंट है आपका कि व्यक्ति को अपने जीवन को यानी कि व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा देने यानी कि एक परामर्शदाता के द्वारा परामर्शदाता व्यक्ति को उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए उसकी क्षमता का और उसकी अभियोग्यता का उसकी योग्यता का उसकी रुचि का उसकी क्षमता का उसकी मनोवृत्ति का इन सभी को समझकर उसको सहायता प्रदान करता है यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े यानी कि उसे सही दिशा देने हेतु तो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े सही मार्ग प्रशस्त करे और अपने कार्य के प्रति सचेत होकर उस कार्य में परिश्रम करते हुए आगे बढ़े और अग्रसर हो उसमें उस क्षमता का विकास करना और साथ में उसकी अभियोग्यता से मतलब है उसकी योग्यता है उसकी क्षमता है उसकी रुचि उसकी मनोवृत्ति है इन सबको समझ कर परामर्शदाता उसको सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ देखिएगा फिफ्थ पॉइंट है अनुकूल अपेक्षित सूझबूझ विकसित करने में सहयोग देना फिफ्थ पॉइंट है आपका कि व्यक्ति अपने जीवन में यानी कि व्यक्तिगत परामर्श का उद्देश्य है कि परामर्शदाता व्यक्ति को अपने जीवन में यानी व्यक्ति के स्वयं के जीवन की विविध परिस्थितियों को
अब उसकी विविध परिस्थितियाँ कैसी है, जैसे उसकी पारिवारिक परिस्थिति है, उसकी आर्थिक परिस्थिति है, उसकी सामाजिक परिस्थिति है, यानी कि परिवार में उसका कैसा महत्व है, आर्थिक परिस्थिति उसकी कैसी है, समाज में उसका उठना बैठना कैसा है, तथा उसके वातावरण सभी को देख कर यानी कि उसकी विविध परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके, यानी कि विविध परिस्थितियों की जानकारी सूचनाएँ प्राप्त करके उसको समझने में वो उसी के अनुकूल जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है उसी के अनुकूल अपेक्षित, अपेक्षित का मतलब है जैसा परामर्श प्रार्थी चाहता है वैसा व्यवहार, उसी के अनुकूल अपेक्षित सूझबूझ विकसित करने में उसको सहयोग प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि परामर्शदाता व्यक्ति को उसके जीवन के विविध परिस्थितियों को समझने में, विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और विभिन्न परिस्थितियों को समझ कर जानकर बूझकर और उसी के अनुकूल व्यक्ति के यानी कि परामर्श प्रार्थी के अनुकूल और उसके अनुकूल जैसा व्यवहार वो चाहता है उसी के अनुकूल उसकी सूझबूझ विकसित करने में, उसी के अनुकूल उसके विचारों को विकसित करने में, उसी के अनुकूल उसकी